बाकी आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको एक ट्रैम्पोलिन मिल जाएगा, ठीक है, और थोड़ा बच्चों के खेलने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे वॉलीबॉल नेट वगैरह और बैडमिंटन के लिए लगा रहे हैं, और यहाँ पे एक झूला मिल जाएगा, और यहाँ पे थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए। पर स्वागत है, आज है 25th February थर्सडे, और जस्ट अभी मेरी जो एडिटिंग है वो हुई है, मुझे लगा थोड़ी पहले हो जाएगी। अभी बज रहे हैं 12:30 और मुझे अपना बैग रेडी करना है। एक तो मैंने बैग आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था, जो ब्लैक वाला बैग था जिसमें सारे कपड़े थे। एक मैं अपने लिए बैग लूँगा जिसे मेरे लैपटॉप वगैरह, माउस, चार्जिंग केबल और बाकी USB लीड चार्जर वगैरह सब होंगे। तो अभी पहले वो वाला बैग रेडी करते हैं, पहले बैग लेके आ जाऊँ। तो ये वाला बैग हम लोग लेके जाएंगे जिसमें हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखेंगे, ताकि हम लोग वहीं जाके आराम से मस्त एडिट कर सके और आप लोगों के लिए आराम से वीडियो हर रोज बना सके और अपलोड कर सके। तो ये हो गया हमारा बैग रेडी, अब जो तीसरा बैग है वो मैं लेके आता हूँ। ये है हमारा थर्ड बैग, इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने चिप्स वगैरह रखे हैं रास्ते के लिए। तो अपने जो तीनों बैग हैं वो होगा एकदम रेडी, ऑल सेट, सब कुछ हो गया है। बस एक चीज़ बची है, वो है प्यारी सी नींद लेना। अब भाई मुझे नहीं पता था कि 12:30 बज जाएंगे, बट कोई नहीं, और सुबह 4 बजे उठना है और 6:30 बजे निकलना है। अब बाकी की जितनी भी बातें हैं वो हम लोग कल करेंगे सुबह उठ के। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। बिल्कुल ही नहीं सोया, बस लास्ट के 5 से 10 मिनट सोया हूँगा। 1 बजे जब मैं लेट गया था ना, उसके बाद काफ़ी देर तक मैं जगा रहा, मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे, फिर मैं वापस लेट आ रहा, टाइम देखा तो 3 बज रहे थे, मैं वापस लेट आ रहा, फिर मैंने टाइम देखा तो 4:13 हो रहे थे सुबह के, और वापस टाइम देखा तो 4:30 बज रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं 2-3 घंटे की नींद ले लूँगा, लेकिन पूरी रात 3 घंटे सिर्फ मैं करवट बदलता रहा हूँ, नींद बिल्कुल नहीं आई है। बट मुझे नहीं पता यार, मेरी आँखें ना थोड़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई हैं, प्रॉब्ली जो लास्ट की 10 से 15 मिनट वाली नींद थी ना, उसने शायद आँखें थोड़ी फ्रेश कर दी है। बट जैसे अब यार ये तो चलते रहेगा, बाकी यार जल्दी से रेडी होते हैं। एक बार मैं रेडी हो जाऊँ फिर मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ कि आज का प्लान क्या है। तो जल्दी मिलते हैं। तो गाइस फाइनली जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। थोड़े महीनों पहले मैंने बोला था कि यार मुझे ट्रिप पे जाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो हम लोग कब जाएंगे मुझे कोई आइडिया नहीं था। आज फाइनली वो जो दिन है वो पूरा हो गया है, और सारे बैग हमने गाड़ी में रख दिया। अब आसपास ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो भाई बैग ना इसे उठा के डिग्गी में रखना पड़ा, तो उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाया। और अभी हम लोग खींच रहे हैं फोटो वगैरह, तो अब करते हैं ट्रिप को फाइनली स्टार्ट। जय करा शेरावली दा, बोल साचे दरबार की जय। भाई पेट्रोल कर देना, टंकी फुल कर देना। तो गाइस सबसे पहले जो पेट्रोल है वो हमने भरा लिया है, अब जाएंगे हम लोग हवा भराने। तो गाइस ऑलमोस्ट जो लास्ट वाला टायर है ना, उसमें जो भाई जी अपना हवा भर रहे हैं। और गाइस हमारी जो ट्रिप है, हम लोग जा रहे हैं सरिस्का, जो कि है 202 किलोमीटर, जो गूगल दिखाता है। बट जो रिजॉर्ट वाले हैं ना, उन्होंने हमको ऑलरेडी अपनी लोकेशन भेज दी थी, तो अप्रोक्सीमेटली 172 किलोमीटर है, जो हम लोग 3.5 घंटे में कवर कर सकते हैं जितना गूगल दिखा रहा है ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से। बट हम लोग आराम से ढाबे पे रुक के चिल मार के, कोई सीनिक लोकेशन आएगी ना तो वहाँ पे फोटो वोटो के लिए रुकेंगे। भाई कब से हो इधर, कब से हो इधर? 15 साल हो गए। तो सुबह चाय वाय पी ली आराम से? तो भाई जैसे हम लोग आए ना, तो भाई भाई अपना चाय पी रहा था। कोई नहीं भाई, चलो भाई धन्यवाद बहुत बहुत। तो गाइज अब करते हैं हम लोग ट्रिप को स्टार्ट, फाइनली लेट्स गो। अभी राइट वाली गाड़ी में ना एक बच्चा था, तो सो रहा था आगे, वो उसके पापा या जो भी है वो लेके बैठे थे बच्चे को। तो पीछे मम्मी ने जैसी येलो वाले चिप्स का पैकेट खोला ना, बच्चा ऐसे करता आवाज सुन के पैकेट की, भाई ये तो मुझे खाना है। हमें ट्रिप तो हो जाएगी, हम चिप्स के पैकेट वैकेट कब खोलेंगे? खोलो, 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 मम्मी ने खोलो, मम्मी कह रही स्टार्ट हो जाए बेटा।
गया। चलो भाई धन्यवाद बहुत बहुत भाई। तो गाइस अपना जो फास्ट टैग है वो लग गया। अब क्या सीन था कि हम लोग को जैसे ट्रिप पे निकलना था, और वैसे भी यार जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि हर गाड़ी में ना तुम फास्ट टैग वगैरह लगा दो ताकि कैश की झंझट बिल्कुल भी ना रहे। तो हमने क्या किया था, मतलब मैं पेटीएम वगैरह पे देख रहा था यार, उस पे ना काफी ज्यादा दिन थे, मेरी ख्याल से 10 दिन के बाद ऐसा कुछ आना था। तो मैंने सोचा कि जब हम टॉल वगैरह पे जाएंगे ना तो हम लोग टॉल से बंदों से लगवा लेंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखना, मैंने इस बंदे का आईडी वगैरह ले लिया था, आईडी कार्ड, गलती से अगर ये फ्रॉड निकला तो, और मैंने नंबर वगैरह सब ले लिया था। मैंने कॉल भी करके दिखाया बंदे को तो नंबर वगैरह आ गया था मेरे पास। और इसने 500 रुपए लिए, 500 रुपए में 100 रुपए का कार्ड, 200 रुपए इसके अंदर अमाउंट आ गया था जो हमारा अभी 65 रुपीज मानेसर वाले टॉल पे कट गया, जो अभी भी कटा है, अभी हम लोग देखे आए हैं। और जो 200 रुपए है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, तो जब हम फास्ट चेक को वापस रिटर्न करेंगे जो 200 रुपए वो हमारे आ जाएंगे, और बाकी जो 200 रुपए है जिसमें से हमारा 65 रुपीज कट गया है वो तो हमारा चलता रहेगा, हम लोग उसको भरवाते रहेंगे और जो भी टॉल आएगा उस पर हमारा कटता रहेगा। तो ये सीन है। अब मैं आपको उतर के दिखाता हूँ फास्ट चेक वाला सीन, बट ये बहुत बड़ा काम है जो हमारा हो गया है। तो अब हमारा टाइम है ये सब खाने का, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है यार, हम लोग ने अभी मानेसर वाला टॉल जो है वो क्रॉस किया था, तो पिछले 15 मिनट से हम लोग जाम में यहाँ पे फंसे हुए हैं, आगे शायद एक्सीडेंट हो गया है, और गूगल अभी शायद 15-20 मिनट और कह रहा है। तो वैसे ना सड़क सड़क कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं। तो गाइस पिछले आधे घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं भाई साहब, और गूगल अभी 20 मिनट और दिखा रहे हैं। अब जाम खुले तो हम अपनी ट्रिप को कंटिन्यू करें और अपने डेस्टिनेशन पहुंचे, बट भाई जाम ही नहीं खत्म हो रहा, जाम ही खत्म नहीं हो रहा भाई। चलो 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 आंदो, और अभी ऊपर है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भाई, बहुत चौड़ा है भाई, इधर भी चलेंगे ना इधर भी बस वीडियो बनाएंगे। अभी पता क्या हो रहा है, क्योंकि इस वाली लेन पे जाम है ना, तो बंदे वहाँ होके और रॉन्ग टर्न ले रहे हैं। देखो वहाँ से ऐसे गाड़ियाँ जा रही हैं सीधा, तो वो सीधा अपने को तो लेफ्ट मुड़ना है, बट भाई साहब मजा आ रहा है, थोड़ा जाम ने इरिटेट कर दिया, बट भाई यही इसी को जर्नी कहते हैं, यही ट्रिप है भाई। और भाई बढ़िया, ये हम लोग ऐसी रोड में ना चलते चलते वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी स्पीड स्लो है इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे अभी बिल्कुल मत ट्राई करना, क्योंकि जाम है ना धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही है, मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे गाड़ियाँ ट्रक्स व्रक्स भर के, ओ माई गॉड, क्लोज कॉल दे रहे हैं। तो क्लोज कॉल तो हम लोग फाइनली चल दिए हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, पीछे जो ट्रक होता है ना उसके ऊपर कंटेनर होता है, वो कंटेनर पूरा गिरा हुआ था और एक गाड़ी थोड़ी सी क्रश थी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। पुलिस वाले भी थे जो ट्रैफिक को बहुत तेज भगा रहे थे, मतलब के भाई जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अपना अब हो गया मस्त से, अब वापस हम लोग आ गए हैं रोड पे, और अपनी जो स्पीड है हम लोग मेंटेन करेंगे, और अभी हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया था, जब हमने ट्रिप स्टार्ट करी थी ना तब बज रहे थे 7 सुबह के, अभी बज रहे हैं 10:15, और 3 घंटे में हमने सिर्फ 100 किलोमीटर कवर करे हैं। वो बीच में 1 घंटे का तो जाम था ना, उसने पूरा भाई वाट लगा दी, बट कोई नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए रुके हैं और वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके हैं। हम लोग आए अभी देखी धानी में, चलते हैं थोड़ा खाते हैं, कॉफी पीते हैं, और लेट्स गो। क्या मस्त है ये, तो यहाँ तो मस्त बैठने बैठने के लिए, देखो मस्त, ये तो सुबह सुबह जवा देती होंगी भाई, कितनी सारी मुर्गियाँ भाई, और ये मस्त बैठने के लिए भाई, यहाँ पे आके मस्त बैठो, मजा आ जाएगा बैठ के, गाइस मजा आ गया। अब चलते हैं अंदर, गाइस जैसे इसको पता चला था कि मेरे कैमरा खोल लिया है, तो मैं वहाँ से मुझे ना ट्रैक करते करते यहाँ पे आ गई। अब मुझे ये लग रहा है या तो मेरा पीछा कर रही है या ये मुझे मारेगी, दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो गाइस जिनके पास एक ये वाली सीटिंग है, ठीक है, एक है यहाँ पे, एक है वहाँ पे, और एक है जो मैंने आपको सबसे पहले वाली दिखाई, तो हमें बहुत ज़्यादा मुर्गी है ना, तो भाई अपने फैमिली के बंदों ने बोला कि थोड़ा सा दूर खाना है, तो पहले लोग वहाँ बैठे हुए थे, फिर यहाँ से शिफ्ट होके हम लोग आ गए यहाँ पे। अब वो लोग तो अपना पराठे वाला खा रहे हैं, और मैं सुबह पराठे वाला खा चुका हूँ, तो मैं सिर्फ एक कॉफ़ी पीऊँगा गरम गरम, चीनी थोड़ी ज़्यादा, मज़े आ जाएगी, क्योंकि भाई वैसे ही रात को जो नींद है मैंने बहुत कम ली है,
और मैसी में जैसे ट्रिप पे निकलता हूँ ना, तो एक मेरा सबसे मेन टॉप पे चीज़ रहती है वो है कॉफ़ी पीना। जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ पे कॉफ़ी ज़रूर पीता हूँ, तो बस अभी उसकी वेट हो रही है। बाकी हम लोग इसके नीचे रुके हुए हैं, बहुत सही हवा चल रही है। हमने सोचा कि पहले अंदर बैठ जाते हैं, बट बाहर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है, तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बस अब वेट करते हैं हम लोग कॉफ़ी की। कॉफी पानी वाली है ना? मैं वही बोल रही हूँ, पानी आ रहा है कॉफी में। पानी वाली कॉफी है, बट ठीक है। अभी मैंने एक ना वेज बर्गर मंगाया है, आप बोलोगे यार वही खाता रहता है। यार मैं अब ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत ही थोड़ा सा बस एक बर्गर खाऊंगा और उसके बाद फिर बाद में देखेंगे जब भी टाइम मिलेगा। तो गाइस 11 बज गए, अपना नाश्ता, छोटा सा ब्रेक, कॉफी ब्रेक सब हो गया है। तो अब ब्रेक वगैरह हम लोग कुछ नहीं लेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे, तो लेट्स गो। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:50 और अब जाके जो डेस्टिनेशन है उस पर हम लोग पहुंचे हैं, जो रिजॉर्ट है। अब मैं आराम से आपको पहले दिखाऊंगा, इतने में जो पापा मम्मी वो बात करने गए थे इस बारे में कि भाई कौन सा रूम चाहिए, कहाँ पे है, वो सब। तो हम लोग 7 बजे निकले थे, 5 घंटे हम लोग को लग गए सिर्फ 172 किलोमीटर करने में। तो ये वाला पार्ट मैं अगले दिन बना रहा हूँ, अभी है फ्राइडे, बट मैं ये एक छोटी सी क्लिप है जो मैं थर्सडे मतलब कल वाले व्लॉग में डालूंगा। मतलब जो व्लॉग आप अभी देख रहे हो, तो बेसिकली जो ये रोड है ना, ये रोड है अपनी सरिस्का अलवर वाली, आप यहाँ से आएंगे अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, और ये यहाँ पे है मोक्ष। तो यहाँ पे आप ऐसे चलेंगे सीधा सीधा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिसेप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा थोड़े रैबिट्स हैं और हेन वगैरह है, ठीक है। और यहाँ पे ये खाने वाने के लिए है, तो अगर आपको पानी या कुछ भी मंगाना वगैरह है आपको यहाँ आना पड़ेगा, या फिर आप नंबर भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये पार्किंग की जगह है, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करके रखी है, और अभी हम हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऐसे घुस जाएंगे, तो आप ये देख सकते हैं कितना सही लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बैठने के लिए मिल जाएगा, और ये हैं 16 कॉटेजेस, ठीक है। तो 3 देख रहे हो वो हैं सुपर डीलक्स, उनके राइट में जो आप 3 देख रहे हो ब्लूटिन वाले वो हैं डीलक्स। इन तीनों में एसी है, और ये थोड़े बड़े रूम हैं, इसमें ये दोनों शायद सेम रूम है, बट इन तीनों में एसी नहीं है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अपने कॉटेजेस टाइप में, ये इनसे थोड़े से कम है, मतलब ये थोड़े से छोटे हैं, और इनमें ज़्यादा जैसे फर्नीचर वगैरह नहीं है, चेयर वेयर बैठने के लिए नहीं है। और जो ये देख रहे हो 4, ये हैं आपके मड वाले टेंट। तो आप देख लेना, प्राइस जो है साइट वाइट पे आपको मिल जाएगी, आपको आपका जैसा बजट है आप वैसे वहाँ पे रुक सकते हैं। तो हम लोग रुके हुए हैं उस राइट वाले में, राइट मोस्ट वाले में। बाकी आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको एक ट्रैम्पोलिन मिल जाएगा, ठीक है, और थोड़ा बच्चों के खेलने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे वॉलीबॉल नेट वगैरह और बैडमिंटन के लिए लगा रहे हैं, और यहाँ पे एक झूला मिल जाएगा, और यहाँ पे थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए, तो यहाँ पे बच्चों का मिल जाता है, वो लोग आराम से यहाँ पे मजे कर सकते हैं, और ये वाला बहुत सही है। तो ये छोटी सी एडवेंचर की चीज़ है, यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा झूल वगैरह भी सकते हो। तो बेसिकली मैंने रात को ही कर ली थी। अब आप बोलोगे रात को कैसे करी? गाइज मैं फ्राइडे को वीडियो बना रहा हूँ थर्सडे के लिए, क्योंकि कल मेरे से जो छोटा पार्ट है वो मिस हो गया था, तो मतलब पूरा दिखाना कॉटेजेस का। तो ये सीन है, वहाँ से एंट्री, वहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे हट, यहाँ पे मस्त बड़ा सा लॉन, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये, बाकी ये 16 कॉटेजेस। तो हम आ गए हैं कॉटेजेस के पास, ठीक है। तो हमारा ये वाला कॉटेज है, तो अब मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि अंदर से दिखता कैसा है। तो गाइस ये है हमारा सुपर डीलक्स। अरे पंखा 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 बंद होना चाहिए। अरे हाँ, तो गाइस ये है हमारा सुपर डीलक्स वाला रूम। यहाँ पे बेड, यहाँ पे बैठने के लिए जगह, ठीक है, और यहाँ पे टीवी, हाँ मतलब उससे पहले कॉटेज जिससे हम लोग बाहर का देख सकते हैं, बट यार अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अब आप कैमरा मैन इधर दिखाएगा, तो कैमरा मैन मम्मी के साथ तरह यहाँ पे हमारा टीवी, यहाँ पे अपना कुछ लगेज रख लो। एसी की दिन में बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे अभी हम लोग आए हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो एसी हमने फुल ब्लास्ट में चलाया हुआ है,
बाकी यहाँ पे आपको अलमीरा मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अपन ब्लॉग देख सकते हैं कि भाई कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। और जो मेन चीज है वो है वॉशरूम, वॉशरूम अपना मेन रहता है। कुंडी टूटी हुई है, मैंने कुंडी टूटी हुई, कोई नहीं, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो अपना हाँ सराउंड कर दिया मैंने, तो वॉशरूम काफी नाइस नीट एंड क्लीन, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये कि जेट है, जेट नहीं है स्प्रे है, तो अपने आपको डूई हिला के ठीक है। तो ये है अपना प्यारा सा सुपर डीलक्स वाला कॉटेज। ओबे ये बेड है इतना कंफर्टेबल, तो गाइज अभी बज रहे हैं 6:15 मतलब ऑलमोस्ट 6:30 मान लो, और 2 घंटे की नींद हमने ले ली है। जब लास्ट टाइम मैं आपसे मिला था तो मैं बेड पे लेटा हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया कि खाना वाना मंगाया, शायद 3:30-4 बज गए होंगे, और क्योंकि भाई रात को मैं बिल्कुल नहीं सोया था, तो हम लोग सब ने 1.5 से 2 घंटे की नींद ले ली है पापा को छोड़ के। और भाई 2 घंटे सोने के बाद मैं इतना ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ कि मज़ा आ गया। अब बाकी बात बाहर करते हैं क्योंकि हम लोग को चलना है कहाँ पे बताता हूँ। आज का जो दिन था वो बहुत ही सिंपल था, हमें यहाँ पे आना था, ठीक है, रिलैक्स करना था, और बेसिकली एक प्लेस जानी थी लेकिन वो हो नहीं पाएगी। तो हम लोग ने क्या किया कि जो बंदे हैं मतलब जो यहीं पे रहते हैं, उन्होंने बोला कि पास में एक रिवर है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे 1-2 घंटे बिता सकते हैं, फोटो वोटो खींच सकते हैं। तो वो जो रिवर है मुझे लगा कि थोड़ी दूर होगी, बट उन्होंने कहा, जो होटल वाले बंदे हैं उन्होंने कहा कि भाई 300 से 400 मीटर ही है। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे पैदल, बट अभी फिलहाल ये जो सीन है ना बहुत ही सही है, मतलब पहाड़ों के अरावली पहाड़ों के लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं और भाई बहुत ही गदर व्यू है, बहुत ही गदर। तो गाइस पहुंचते पहुंचते इतनी अंधेरा हो गया कि क्या दिखाई देगी, तो वो बेसिकली जो नदी है ना वो है नतनी का 12 सॉर्ट ऑफ ऐसी कुछ करके है। तो हमारे होटल से अराउंड 500-600 मीटर था, अब वहाँ पे गए हैं, इतना अंधेरा हो गया है, मतलब मुझे टॉर्च जलानी पड़ रही है, और भाई यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, तुम्हें ध्यान से देख के चलना भाई, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी, वो टॉर्च आ रही है ना सामने, लाइट वाइट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इतने सारे बंदर हैं। तो मैंने एक दुकान वाले भैया से बात करी, चलो चलो सामने चलो, तो वो कह रहे थे कि बहुत ही छोटा सा फ्लो है, ज़्यादा तेज नहीं है, और बेसिक इसका कहाँ जा रहा हूँ मैं, तो बेसिकली जो होटल वाले ना उन्होंने बोला था कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कछुए हैं, तो हम लोग वो देखने गए थे यहाँ पे, और बेसिकली रिवर देखने गए थे, बट उन्होंने बोला कि जो स्ट्रीम है बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, और अब तो इतनी रात हो गई कि कछुए कहाँ मिलेंगे, तो हम वापस रिजॉर्ट पे जा रहे हैं। तो भाई रात को हमारा जो ये रिजॉर्ट है, शेट में बोलने वाला था, इतना सुंदर लगता है, लाइट चली गई बड़ा सही लगता है रात को, मतलब एक जगह की ना दिन की ब्यूटी अलग होती है, रात की अलग होती है, और यहाँ पे तो स्पेशली रात में इतना मज़ा आता है क्योंकि मतलब यहाँ पे पहाड़ जो आपको नहीं दिख रहा होगा अभी क्योंकि लाइट चली गई है, और हर कैंप में जो लाइटें जल रही हैं, तो वो चीज़ है, मतलब यार अल्टीमेट अल्टीमेट सीन। अभी बज रहे हैं 10:30, अब आप बोलोगे भाई 10:30 क्यों बज रही है, क्योंकि जो पहले वाला शॉट था उसमें बज रहे थे 7:30। अब हुआ क्या कि 7:30 के बाद मैंने कैमरा कर दिया था बंद, हम 7:30 के बाद हमने खाना वाना मंगा लिया था, तो उसको आने में 1-1.5 घंटा लगा था, तो हमने 9:30 बजे के आसपास हमने खाना खाया, और आधे पौने घंटे में खाना खा के अब हम 10:15 बजे हम लोग बाहर निकले हैं। तो 10:15-10:30 से हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे सारी पूरी फैमिली, जो इतना बड़ा ब्लॉन देख रहे हो, तो भाई घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि जो टेम्परेचर है ना भाई सुबह हो जाता है 30, और सुबह लिटरली गर्मी लग रही थी, तो हमने ना कॉटेज में एसी चलाया हुआ था, और अभी का जो टेम्परेचर है ना वो अराउंड 16-17 होगा, तो अभी भाई साहब इसमें ठंडी ठंडी चिल चिल हवा लग रही है जो कि बड़ी अच्छी लग रही है। और जो दूसरी बात है वो है फास्ट टैग,
अभी ने आपको फास्टैग नहीं दिखाया है, अभी मैं आपको दिखाने गया था लेकिन यार हुआ क्या, गाड़ी थोड़े ना अंधेरे वाले स्पॉट पे खड़ी हुई है तो ढंग से फास्टैग दिख नहीं रहा, तो कल सुबह आराम से आपको दिखाऊंगा। बाकी ये जो दिन था, एपिसोड था, काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी अच्छा दिन गया, बहुत ज़्यादा मजा आया। बाकी अगले कल या फिर आने वाले दिनों में क्या क्या होता है उसके लिए तो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। बाकी ये वीडियो में हिदायत करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आ तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट दिन में। टिल देन गाइस, जय हिंद।